हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका असेसमेंट करने वाले हैं, जो आपको असेसमेंट मिला हुआ है हिंदी का करने के लिए 16 तारीख का, ठीक है, क्लास 8th स्टूडेंट को। तो सभी बच्चों को मैं इसके आपको समझाऊंगा और इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपके टीचर ये चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने असेसमेंट किया है या नहीं, ठीक है। ये आपका हिंदी का असेसमेंट है बच्चों, ठीक है, क्लास 8th के स्टूडेंट का। इसका नंबर कितना है, आंकलन क्रियापत्रक मतलब असेसमेंट वर्कशीट 1, ठीक है, इसका नाम ही है असेसमेंट वर्कशीट 1, ठीक है। और ये आपकी 16 अगस्त की बच्चों, आज की, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसके आपको बताता हूँ। इसमें दिया गया, वैसे तो मेरे गांव का होने के कारण मुझे बहुत बदलू मामा कहना चाहिए, ठीक है। देखो, आपने वो बनी होगी जो वह चूड़ी बनाता था, ठीक है, तो उसकी इसमें कहानी दी गई है, इसके बेस पे हम पढ़ेंगे। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे करते थे, ठीक है। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू अपना काम करता था। वो क्या करता था, वो लाख की चूड़ियाँ पिघलाकर उसकी चूड़ियाँ बनाता था। लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुनगेरियाँ रहती, जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुनगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, ठीक है। बदलू मनिहार था, ठीक है, चूड़ी बनाता था। चूड़ी बनाना उसका पेस्त्रक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेने ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, ठीक है। क्या वस्तु विनिमय से आप समझते हैं कि लेन देन का मतलब, वस्तु से ही लेन देन करनी है, खरीदना कुछ नहीं है, ठीक है। ये तरीका गांव में चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ लेते थे, और बदलू के स्वभाव बहुत ही सीधा था और उसे झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जूत पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाओ, परंतु त्योहारों पर वो किसी को भी मुफ्त चूड़ियाँ नहीं देता था, ठीक है। वो सबको मतलब कुछ ना कुछ लेकर ही चूड़ियाँ देता था, ठीक है। अब देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए, यही आपको करने हैं। अब देखो, इनका करने का तरीका ऐसे है, आप लोग पेन लेंगे, अपना नोटबुक, ठीक है। इससे क्या, जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूंगा वैसे वैसे आप इसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन एक दिया गया है, बदलू को लेखक क्या कहा करता था, ठीक है, तो आप बताएंगे बदलू क्या कहा करता था लेखक को, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आपका दिया हुआ है कि वो उसको काका, क्योंकि लगते थे उसके बदलू मामा थे, पर वो बदलू काका कहता था, ठीक है। आपका आ जाएगा बदलू काका, ये आपका सही हो जाएगा। और आप कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो मैं कट कर रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाई करता था, ठीक है, सबको पता है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है, जैसे कि हमने बहुत पहले से पढ़ा है इसमें पोयम में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है, बदलू का पेशा क्या था, ठीक है, वो एक मनिहार था, ठीक है बच्चों, वो मनिहार था। ठीक है, बदलू के चूड़ी बनाने के समान, ठीक है, बदलू के चूड़ी बनाने के सामानों में निम्न शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं, चूड़ी बनाने की मशीन नहीं थी उस पर, ठीक है, वो क्या हाथों से ही बनाता था। तो ये आपका करेक्ट है, और सब आपके कट जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना क्या है, जो करेक्ट है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना बच्चों। ये आपका करने का तरीका है। बदलू का चूड़ियों बेचने का तरीका था, वो किसके बदले चूड़ियाँ देता था, पैसों के बदले, रुपए के बदले, मुफ्त, या फिर किसके बदले देता था बच्चों, वो अनाज के बदले देता था, वस्तु विनिमय, ठीक है, जिसे हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। ये कट कर देंगे आप, ये भी और आपका ये भी, ठीक है। चलिए, बदलू स्वभाव से कैसा था, ठीक है, वो इश्चालू था, लालची था, चलाक था, सीधा था, तो ये आपको बताना है बच्चों। वो कैसा था स्वभाव से, तो वो चलाक था, ठीक है, वो सीधा था बच्चों, सीधा आएगा इसमें, क्योंकि वो क्या करता था, किसी से
फ्री में भी चूड़ियाँ दे देता था, पर वो पैसे किस टाइम लेता था, सिर्फ शादियों के टाइम पे, इसलिए बच्चों को सीधा था। ठीक है, बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था? ठीक है, विवाह के अवसर पर। ये आपका सही हो गया, ये गलत है। ठीक है, जो आपके रोंग है वो आपको नहीं लिखना है, वो मैं कट कर रहा हूँ जान के, सिर्फ करेक्ट आंसर आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए आठ में दिया गया है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम चुनकर लिखना बच्चों आपको, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम। ठीक है, ग्राम आपका तत्सम आ जाएगा और ये आपका कट जाएगा। चलिए नाइन, वृक्ष शब्द का समार्थी अंत लिखिए। सामा नार्थरी, पौधे तर्थ पेड़ घास, इसमें से बच्चों क्या होगा आप लोग देखेंगे, तो आपका इसमें से पेड़ होगा। ठीक है, वृक्ष का सबको पता होगा, वृक्ष का क्या होता है बच्चों, पेड़ होता है। ठीक है, पिघलना का विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है, जमना आ जाएगा, पिघलना और जमना। ठीक है, तो आपने देखा आपकी कैसे ये असेसमेंट कंप्लीट हो गई। देखिए मेरे चैनल पे एक गेम चल रहा है, जो पुराने बच्चे जानते हैं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, जो बच्चा उसका आंसर देता है उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आप डेली अगर वर्कशीट करेंगे और वीडियो को पूरी देखेंगे तो डेफिनेटली आप जीत सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन किसी भी वर्कशीट में पूछ सकता हूँ और आपके घर पे फिर गिफ्ट सेंड किया जाएगा। और 10 फ्रेंड के साथ आपको जरूरी शेयर करना है वीडियो को, उनसे शेयर के लिए बोलना, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।